कर दिया गया। सभी लोगों को घरों में रहने की लगातार अपील की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन में भी कुछ शरारती तत्व बाज नहीं आ रहे हैं। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि बुआडा नहर पटरी के पास जंगल में कुछ गौ तस्कर तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत छापेमारी की और छापेमारी के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 गौ तस्कर घायल हो गए। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचे, चाकू और कार बरामद की है और फरीद पर 15,000 का इनाम भी आपको बता दें रखा गया था। एक सूचना प्राप्त हुई कि इधर की तरफ से एक संदिग्ध गाड़ी जा रही है, उसमें देखा गया तो यहाँ पर अंदर खड़ी हुई थी गाड़ी। इधर सर्च किया गया तो 2 व्यक्ति काउ स्लॉटरिंग का काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिनका नाम अदनान और आमिर था। जब पता किया उनसे, उनको ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया गया। उनके 2 साथी भागने में कामयाब रहे, उनके पीछा किया गया, पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायर किया। जवाबी कार्रवाई की गई तो उनको पैरों में गोली लगी। उनका नाम शाकिर है और उसके साथ साथ फरीद है। ये लोग खाला पार्क के लगभग रहने वाले हैं और इनके ऊपर पुराने भी मुकदमे हैं जो लूट में, गैंगस्टर में और काउ स्लॉटरिंग में व अन्य चीज़ों में हैं। इनके बारे में और जानकारी अन्य डिस्ट्रिक्ट से की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि कहीं इन पर कोई इनाम तो नहीं है। ये मुख्यतः यही काम करते थे कि इस समय लॉकडाउन का समय है और मीट की और मांस की जरूरत होती है, ये लोग यहाँ पर काट रहे थे, इसके बाद कहीं पर सप्लाई करते। हमने इस चीज़ को देखा है और इसको क्रैकडाउन किया, ये बहुत अच्छी। और खबर कासगंज से, जहां कोतवाली